डंडे के समान होती कि नहीं, लाठी डंडे के समान, तो तलवार वहां काम करेगी कि बिना राउंड की राइफल काम करेगी? बोलो भाई, वहां तो तलवार ही काम करेगी। तो ध्यान से सुनते जाना, बड़ी बढ़िया बात आपको बता रहे हैं, आपकी जिंदगी से जोड़ते हुए हम कथा कह रहे हैं, आपकी समझ में आ जाए एक एक बात, ऐसी कथा हम सुनाएंगे। आप समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही? नहीं, हम व्यर्थ में तो पसीना नहीं निकाल रहे, ठंडी में गर्मी में पसीना निकले ये सहज बात है, और ठंडी में निकले पसीना तो बहुत बड़ी बात है। क्यों भाई, बड़ी बात है कि नहीं? लेकिन सुनते जाओ, साधारण बात नहीं बता रहा हूं, बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं। कहा मेरे पास वज्र है, ये बाण क्या करेगा? वज्र के आगे बाण की कोई कीमत नहीं है। कहे पिताजी तो फिर मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। कहे रक्षा हो जाएगी तुम्हारी, तुम चिंता क्यों करते हो? कहे एक बार थोड़ा पीछे देखो तो, मामला है क्या? थोड़ा पीछे देखिए। और इंद्र ने जैसे ही मुड़के पीछे देखा तो इंद्र कांप गया, क्योंकि वो बाण साधारण बाण नहीं था, अमोघ बाण था। कौन सा बाण था? अमोघ बाण था। ऐसा बाण, बाण एक बार छूट जाता है तो वापस नहीं लौटता। क्यों लौटता क्या वापस, बोलो भैया? बाण छूटा छूटा। अच्छा एक बात और बताएं, बाण छूटा और निशाना चूका, तो चूका तो बाण भी गया और व्यक्ति भी गया, और यदि लग गया तो बाण तो अस्तित्व खो ही देता, लेकिन जिसके लगा वो भी अस्तित्वहीन हो जाता है। हो जाता कि नहीं? लेकिन कहीं बाण चूक गया तो फिर व्यक्ति बच जाता है, बाण का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। क्यों? यही बाण की विशेषता है कि नहीं? लेकिन भगवान का अमोघ बाण ऐसा बाण है प्यारे, भगवान का अमोघ बाण ऐसा बाण है कि वो निकलता है तुणीर से, आगे बढ़ता है, और जिसके लिए गया है उसका काम तमाम करता है और फिर लौट के वापस आता है। ये है भगवान के बाण की विशेषता। ऐसा बाण बोलो किसके पीछे छूटा है? ऐसा बाण किसके पीछे छूटा? हाँ, जयंत के पीछे छूटा। बोलो छूटा कि नहीं? किसके पीछे? हाँ, जयंत के पीछे छूटा है। बहुत बढ़िया बात, आप लोग सब समझदार हो। जयंत के पीछे छूटा। अब बाण जो है, कहे पीछे तो देखो। पहले तो इंद्र ने सोचा कि ऐसा कैसा बाण है कि तू 10 मिनट तक मुझसे बातचीत कर रहा और बाण खड़ा ही है पीछे। क्यों भाई, आश्चर्य की बात तो ये है कि तू 10 मिनट से मुझसे बात कर रहा है और बाण पीछे ही खड़ा। अरे जब काम करने के लिए आया है बाण तो उसको काम तमाम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन ऐसा बाण कैसा है, कोई अद्भुत बाण है। तो इंद्र ने कहा पहले ये बता, ये बाण आया कहां से? कहे चित्रकूट धाम से। हाँ, चित्रकूट से आया। हाँ, चित्रकूट में कौन है बाण छोड़ने वाला? कहा राम जी ने छोड़ा है। ओहो, राम जी ने छोड़ा बाण। इंद्र ने कहा प्रभु श्री राम अकारण किसी के ऊपर प्रहार नहीं करते हैं, समझ गया? कारण कोई होगा और बहुत बड़ा कारण होगा, क्योंकि उनके समान कोई सरल सहज है ही नहीं दुनिया में। को रघुवीर सरिस संसारा सील सने भगवान के समान सील स्नेह निवाहन हारा, ऐसा दुनिया में कोई नहीं है, केवल भगवान है। इसका मतलब है कि तूने कोई बहुत बड़ा अपराध किया। अपराध किया? अपराध सही बता, कौन सा अपराध किया तूने? साधारण अपराध हो जाता तो कभी कोप नहीं करते हैं, लेकिन विशेष अपराध किया होगा। मैं प्रारंभ से किस अपराध की चर्चा कर रहा, सबसे बड़ा अपराध कौन है बोलो? पराई नारी पर कुदृष्टि डालना, नारी का अपमान करना, यह सबसे बड़ा अपराध है। कभी भी भूल के नारी का अपमान मत करना,
अगर कहीं तुमने नारी का अपमान भूलवश कर दिया तो जगत में तो निंदनीय हो ही जाओगे और सजा के पात्र हो जाओगे, लेकिन जिस दिन भगवान की अदालत में जाओगे वहां भी तुम्हें कठोर से कठोर सजा मिलेगी। इसलिए जननी समझानो पर नारी, जननी समझानो पर नारी, ओ धन पराओ बिस ते बिस भारी, जननी समझानो पर नारी। पराई नारी को यदि भैया अवस्था में बड़ी है तो फिर माँ कह दो, माँ मान लो, यदि समवयस्क है तो बहन मान लो, और छोटी है तो बेटी मान लो। बस केवल तीन ही रिश्ते आप मान सकते हो, और यदि विधि के विधान के अनुसार, यदि विधाता ने विधान बनाया है जही विरंच रच सिए समारी कहीं श्यामल बर रचेऊ बिचारी, तो उसको केवल परिणय बंधन में बंधने के लिए विधि का विधान है, तो इसके लिए तुम मनमुखी विचारधारा से उसे स्वीकार नहीं कर सकते हो, उससे संबंध नहीं जोड़ सकते हो। कब जोड़ सकते हो? अग्नि को साक्षी करना पड़ेगा, वेद मंत्रों का माध्यम लेना पड़ेगा और समाज को साक्षी करना पड़ेगा, तभी उसे हम परिणीता के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। बोलो, इतने प्रकार के नियम मानने पड़ेंगे कि नहीं मानने पड़ेंगे? जब इतने प्रकार के नियम मानोगे तब उसे आप परिणीता के रूप में स्वीकार कर सकते हो, नहीं तो केवल तीन ही परंपराएं हैं। अवस्था में यदि बड़ी है तो माँ है, बराबरी की है तो बहन है, और छोटी है तो बेटी है। बोलो, यही संबंध बताए गए कि नहीं बताए गए? अब आप कल्पना करना, इंद्र कहता है कि मेरी समझ में बात नहीं आ रही है, कोई बहुत बड़ी भूल हुई है तुझसे, सही बताओ चित्रकूट से ये बाण आया है और प्रभु राम ने भेजा है, तो पहले तो तुम ये बताओ कि तुम चित्रकूट क्यों गए थे? चित्रकूट क्यों गए थे? इसलिए गए थे कामतानाथ की परिक्रमा करने? बोलो, कामतानाथ की परिक्रमा करने गए थे कि मंदाकिनी में स्नान करने गए थे? क्या करने गए थे? कहे सही बताऊं? हां सही बता। कहे मंदाकिनी के तट पर सीता जी का श्रृंगार राम जी कर रहे थे, मंदाकिनी के तट पर। अच्छा, प्रमाण मिला कि नहीं मिला कि श्रृंगार किया भगवान ने? एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, सीतहि पहिराए प्रभु सादर बैठे फटक सिलायति सुंदर। भगवान राम सीता जी का श्रृंगार कर रहे थे। आप कहोगे महाराज चित्रकूट में श्रृंगार देखो, सोने चांदी के आभूषण से श्रृंगार नहीं कर रहे थे? एक बार चुन कुसुम सुहाए, कुसुम मानी फूल, हुआ कि नहीं हुआ? फूलों की कलियों के सुंदर सुंदर हार बनाए गए, और सुंदर हार बना के प्रभु राम ने श्री किशोरी जी को पहनाया। अच्छा, ये नियम है कि पति पत्नी को सुंदर सुंदर सोने के हार पहनाता है कि नहीं पहनाता है? पहनाता है, ये नियम है। लेकिन इस बात पर कभी आपने विचार किया, जब परिस्थिति अच्छी होती है तो सोने का हार पति पत्नी को पहनाता है और पत्नी प्रसन्न हो जाती है, लेकिन परिस्थिति अगर बिगड़ जाए तो माताओं, यदि श्री राम की कथा आप सुन रही हो तो आज संकल्प ले लेना, प्रभु श्री राम और माँ जानकी ने जिस चरित्र का अनुसरण किया है, राम कथा सुनने वाले अबाल वृद्ध नर नारियों को वही चरित्र का अनुसरण करना चाहिए। परिस्थिति यदि अच्छी हो कोई बात नहीं है, पति सोने का हार पहनावे, लेकिन परिस्थिति कहीं अगर बिगड़ जाए तो पति से रूठना नहीं। परिस्थिति अगर बिगड़ गई है तो पति के हाथों से पुष्पों का हार पहन करके प्रसन्नता जाहिर कर देना, निश्चित रूप से एक दिन वो समय लौट करके आएगा कि इस गले में सोने के हार जरूर आएंगे।
सोने के हार जरूर तुम्हें पहनने को मिलेंगे, भगवान वापस वो परिस्थिति लाएंगे, लौटाएंगे, ये प्रभु के हाथ की व्यवस्था है। लेकिन समय यदि थोड़ा बहुत विपरीत है, परिस्थिति अनुकूल नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में हमें फूलों का हार पहन करके ही संतुष्टि जाहिर करनी चाहिए। ये राम कथा प्रेरणा दे रही है। एक बार चुन कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए। बोले कब बनाए, जब वनवासी भेष में भगवान राम थे। राज विलोचन राम चले तज बाप को राज बताऊ की नाई। भगवान राम ने राजपाट छोड़ा, सोने के महल छोड़े, सारी सुविधाएं छोड़ी और चित्रकूट में वनवासी के भेष में रहे। तो श्री किशोरी जी भी वनवासी के भेष में रही। भगवान राम लक्ष्मण कुश के पत्तों पे सोए, कुश की कुटीर में रहे हैं, कुश की आसन पे लेटे हुए हैं। बोलो लेटे कि नहीं, पत्तों की सैया बनाई गई है, उस पर प्रभु विश्राम कर रहे हैं। इसको कहते हैं समय। इसको क्या कहते हैं? समय। इसलिए मैं कहता हूं, कभी समय अगर ऐसा आ जाए कि तुम्हारे घर में अगर सुविधाएं दूर हो गई हैं, तो उस समय तुम यही समझ लेना कि वनवासी प्रभु राम की कृपा हमारे ऊपर हो गई है। अब वनवासी राम ने जैसे समय व्यतीत किया, वैसे ही हम सब मिलकर के परिवार के सहित समय व्यतीत करेंगे, क्योंकि ये सिद्धांत है। मैं एक बात कहता हूं, महाराणा प्रताप ने संकल्प लिया था कि मैं सिद्धांत को नहीं छोड़ूंगा और सुविधा से बिकूंगा नहीं, सुविधा पर बिकूंगा नहीं और सिद्धांत कभी छोड़ूंगा नहीं। ये किसने संकल्प लिया था? महाराणा प्रताप ने संकल्प लिया था। लेकिन मैं कहता हूं, संकल्प लिया था महाराणा प्रताप ने, लेकिन पत्नी और पुत्र ने बोलो साथ दिया कि नहीं दिया? जब महाराणा प्रताप ने महल छोड़ा और अरावली की पहाड़ियों में रहने लगे, तो बोलो पुत्र और पत्नी ये सभी उनके साथ रहे कि नहीं रहे? पत्तों पे सोए कि नहीं सोए? झरनों का पानी पिया कि नहीं पिया? घास की रोटियां खाई कि नहीं खाई? इसको क्या कहते हैं? याद रखना, महाराणा प्रताप ने भी वनवासी राम का चिंतन किया था। इसलिए मैं कहता हूं कि रामायण पढ़ते रहना चाहिए, ये आचार संहिता है रामचरितमानस। 9 लाख साल पहले भगवान राम ने अपना चरित्र अयोध्या से लेकर के दक्षिण भारत को क्रॉस करते हुए लंका तक भगवान श्री राम पहुंचे और उधर भगवान राम लंका से वापस अयोध्या आए। ईमानदारी से बताओ, भगवान राम ने जो जो कार्य किया है, जो जो राम का चरित्र हुआ है, रामचरितमानस का निर्माण उसी आधार पर हुआ कि नहीं हुआ? और यदि रामचरितमानस का निर्माण उसी आधार पर हुआ है, तो हमें भी अपनी जिंदगी रामचरितमानस पर आधारित कर देनी चाहिए प्यारे। तो जैसे प्रभु राम की विजय हुई है, वैसे हमारी भी विजय होती रहेगी। हम कभी पराजयी नहीं होंगे, सदा विजयी बने रहेंगे। लेकिन आधार बनाना पड़ेगा रामचरितमानस को। बिना रामचरितमानस के आधार के हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। तो आज चुन कुसुम सुहाए और निज कर भूषण राम बनाए, भगवान ने श्रृंगार कर दिया। तो जयंत से इंद्र कहता है कि श्रृंगार किया तो क्या, तुझे क्या लेना देना इससे? कहे बस यही तो बात है कि मैंने ये कहा कि अखिल ब्रह्मांड नायक जिसे कहा जाता है, आज वो पुष्पों का हार बना के अपनी पत्नी को पहना रहा है। ठीक है, अयोध्या का राज वैभव अगर साथ नहीं दे रहा है, तो कैसा अखिल ब्रह्मांड नायक है जिसने चित्रकूट में अपना वैभव क्यों नहीं तैयार कर लिया? अयोध्या के वैभव पर आधारित क्यों रहा वो ब्रह्म? वो ब्रह्म को अपना वैभव चित्रकूट में तैयार कर लेना चाहिए था। भले ही अयोध्या के खजाने से सोने के हार ना आते, अपना हार नहीं बना सकता था, इतनी भी ताकत नहीं है। तो इंद्र ने कहा तुम चाहता क्या था ये बता। तो जयंत बोला कि मैं प्रभाव देखना चाहता था कि कितना बड़ा प्रभाव है। इंद्र बोला देख लिया प्रभाव। कहे अब मैं आपका प्रभाव देखना चाहता हूं।
देखो ये कितनी बड़ी बेवकूफी है उसकी। कहता है अब मैं आपका प्रभाव देखना चाहता हूं। देखो परमात्मा प्रभु राम है परम पिता और इंद्र है पिता, बोलो है कि नहीं। लेकिन बेटा कहता है कि बाप से कि परमात्मा को चैलेंज दो। कितना मूर्ख नालायक बेटा है बोलो भाई, जो ये कह रहा है कि ईश्वर को परमात्मा को चैलेंज दो। इसका यही अर्थ होता है कि नहीं होता है बोलो भाई, कि अब मैं आपका प्रभाव देखना चाहता हूं। उनका प्रभाव तो मैंने देख लिया, लेकिन आपका प्रभाव देखना चाहता हूं कि आपका कितना बड़ा प्रभाव है। इससे सिद्ध हुआ कुसंस्कारी बेटा है जो बाप से भी कह रहा है कि चैलेंज दो, परमात्मा को चैलेंज दो। महाभारत में बोलो दुर्योधन ने यही कहा था धृतराष्ट्र से कि नहीं, बोलो कि पांडवों को चैलेंज दो। बोलो दुर्योधन ने क्या कहा था धृतराष्ट्र से, पांडवों को चैलेंज देना है। ईमानदारी से बताओ पांडवों को चैलेंज देने का मतलब है परमात्मा को चैलेंज देना, बोलो है कि नहीं। क्योंकि पांडवों की संपूर्ण कमान को कौन संभाले थे बोलो भैया, कृष्ण भगवान संभाले थे, बोलो संभाले थे कि नहीं। और जब भगवान स्वयं संभाले है तो इसका मतलब है कि दुर्योधन कहता है कि परमात्मा को चैलेंज देना है। लेकिन सावधानी से सुनना, धृतराष्ट्र चूक गया क्योंकि अंधा था आंखों से, लेकिन इंद्र सफल हो गया। इंद्र सफल हो गया क्योंकि धृतराष्ट्र ने दुर्योधन की बात मान ली, इसलिए महाभारत हो गया। और इंद्र ने जयंत की बात नहीं मानी, इसलिए रामचरितमानस का विस्तार हो गया। बोलो विस्तार हो गया कि नहीं रामायण का, नहीं तो रामायण वहीं क्लोज हो जाती कि नहीं हो जाती बोलो भाई। सीधी सी बात, युद्ध करना था किससे, राक्षसों से, दैत्यों से युद्ध करना था राम को, लेकिन युद्ध देवताओं से होता कि नहीं होता बोलो, होता है युद्ध कि नहीं देवताओं से। और देवताओं से युद्ध होता तो सारी दुनिया कहती लो प्रतिज्ञा ये की थी, निश्चर हीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन, सकल मुनन के आश्रमन जाए जाए सुख दीन, निश्चर हीन करो मही भुज उठाए प्रणकीन। और कहता सुनहु सकल देव, भगवान ने कहा था सुनो ऋषि मुनि महात्माओं, हम वचन दे रहे हैं आपको क्या, कि तुम ही लाग धरी हो नर वेसा जन डर पहुन सिद्ध सुरेसा। सुरेसा का मतलब इंद्र हुआ कि नहीं हुआ, जन डर पहुन सिद्ध सुरेसा, ओ तुम ही लाग धरी हो नर भेसा। चिंता मत करो इंद्र, घबराने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे कारण ही आ रहे हैं। और हम दैत्यों से युद्ध करेंगे तो सारी दुनिया कहती कि दैत्यों से युद्ध तो नहीं किया, सीधा इंद्र ही से युद्ध शुरू कर दिया बोलो इंद्र से। और ये जयंत क्या चाहता है बोलो, युद्ध कराना चाहता है कि नहीं कराना चाहता है। तभी तो कहता है अपने बाप से कि अब हम तुम्हारा प्रभाव देखना चाहते हैं कि तुम में कितनी बड़ी ताकत है। परमात्मा के बाण में ताकत है कि तुम्हारे वज्र में ताकत है, ये मैं देखना चाहता हूं। समझदार निकल गया। और जगह पर तो इंद्र का चरित्र कलंकित है, और जगह पर तो इंद्र का चरित्र ऊंच निवास नीच करतूती देख न सकई पराई विभूति, ये इंद्र का करैक्टर है। लेकिन यहां पर इंद्र का करैक्टर प्रशंसनीय हो गया, यहां इस बिंदु पर। कैसे, गोस्वामी जी कहते हैं उसी समय धर निज रूप गयउ पितु पाही राम विमुख राखा तहीं नाही। निकल जा यहां से, एक बात भी मैं नहीं सुनना चाहता हूं। परमात्मा से लड़ू मैं, ईश्वर से लड़ू, मेरा वज्र फैल है, ये वज्र कुछ काम नहीं करेगा। ईश्वर की सत्ता के आगे बोलो कोई शस्त्र काम कर सकता है क्या? हट जा यहां से, निकल भाग यहां से, और अगर नहीं भागेगा तो ये वज्र तेरे ऊपर चला दूंगा। अब दौड़ा भागा। इससे सिद्ध हो रहा है प्यारे कि पिता ने भी, माता पिता ने भी साथ नहीं दिया। बस प्रसंग सुनते जाना, एक एक पॉइंट पर बोल रहा हूं। माता पिता बोलो, माता पिता साथ दे पाए, नहीं दे पाए ना। कौन साथ दे सकता, आप कहो ब्रह्मा, ब्रह्मा में बड़ी ताकत है। ब्रह्म धाम शिवपुर सवलोका, बोलो भाई ब्रह्मा के यहां गया कि नहीं गया,
गया ब्रह्मा के यहाँ, और जैसे ब्रह्मा के यहाँ पहुंचा, क्योंकि मैं बता रहा हूं कि किसमें कितनी ताकत है, ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंचा, ब्रह्मा जी से कहा त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षा करो रक्षा करो। अरे ब्रह्मा जी बोले, इतने बड़े आदमी का लड़का है, ऐसी बात क्यों बोलता है, आजा बैठ। पैसे वालों के लड़कों को थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया जाता है ना, प्रोत्साहन दिया जाता है, रिस्पॉन्स दिया जाता है उनको, आ बैठो बैठो बैठो। हाँ तो कहे बैठो बैठो बैठो। अरे कहे बैठे कि मरे, तुम बैठने की बात कर रहे हो, कैसे? कहे पीछे तो देखो कितना बड़ा खतरा है। ब्रह्मा जी बोले खतरा सब टल गया, अब तू मेरे पास आ गया, खतरे उतरे से मत डर, आजा मेरे पास। और जैसे ही आगे बढ़ा जयंत, तो पीछे से ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा पीछे भी तो देख लिया करो कि क्या है मैटर। और जैसे ब्रह्मा जी ने पीछे देखा, तो वो तो भगवान का बाण था, तो ब्रह्मा कांप गया। कहे एक बात बताओ जयंत, ये तो भगवान का बाण है। कहे हाँ है, तो अयोध्या से आए हो तुम क्या? कहे अयोध्या से नहीं, हम चित्रकूट से आए हैं। अच्छा अच्छा, ब्रह्मा जी बोले वो तो चित्रकूट में रह रहे हैं, लेकिन ये बाण कैसे चलाया तेरे पीछे? भगवान का बाण जाता नहीं है किसी के पीछे, और यदि चला जाए तो उसकी खैर नहीं, उसकी खैर नहीं, और बाण तेरे पीछे आ गया। सही बताओ मैटर क्या है, जल्दी बोलो। कहे मैटर ये है कि मैंने सीता जी के चरण में प्रहार कर दिया। प्रहार कर दिया कहाँ? कहे सीता जी के चरण में प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा कमंडल लाओ, इसकी खोपड़ी में मारूं जिससे ब्रेन हेमरेज हो जाए, भाग यहां से। और जैसे ब्रह्मा जी कमंडल उठाने लगे, भागा ये। अब इसका मतलब है कि ना तो माता पिता ने संरक्षण दे पाया और ना ही ब्रह्मा ने, समझ गए कि नहीं? अब इसने सोचा कि भगवान शंकर उनकी शरण में जाए, तो शंकर जी की शरण में पहुंचने पर भगवान शंकर हमारी रक्षा करेंगे। तो ब्रह्म धाम शिवपुर, शिवपुर का मतलब शिवपुरी शिवपुर नहीं, नहीं तुम शिवपुरी शिवपुर समझ जाओ, शिवपुर मानी है कैलाश, शिवपुर मानी क्या है? कैलाश है। ब्रह्म धाम शिवपुर, शिवपुर मानी कैलाश पहुंचा। और जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचा, भगवान भोलेनाथ बैठे हुए थे, त्राहिमाम त्राहिमाम रक्षा करो रक्षा करो। बोले बाबा ने कहा आओ जयंत, क्या हाल है, ठीक हो? जयंत बोला ठीक ही तो नहीं है, इसलिए तो आपके पास आए। एक बात बताएं, जब आदमी ठीक होता है तो फिर घर में रहता है, रहता है कि नहीं? और ज्यादा से ज्यादा अगर घर में नहीं है, मन थोड़ा सा बहलाना है, तो ससुराल पहुंच जाता है, नहीं? चलो भाई ससुराल चलें, ठीक है ना? ससुराल से चलता है तो बीच में रिश्तेदारों के यहां हो लेता है, लेकिन एक बात बताएं, भगवान के यहां तो तभी जाता है जब कोई समस्या आ जाती है। बोलो भाई, जब कोई समस्या आ जाती है तो भगवान के पास। कहे समस्या ही तो आ गई, इसलिए आपके पास आया हूं। कहे समस्या क्या है? कहे समस्या यह है कि मारने के लिए बाण पीछे से लगा गया है, मुझे मारने के लिए। शंकर जी बोले मैं महाकाल हूं, ये मारने का काम करता है काल, और मैं हूं महाकाल। अब तू महाकाल के पास आ गया तो काल क्या बिगाड़ेगा, चिंता मत कर, बैठ। पार्वती जी बोली भांग ज्यादा खा गए हो क्या, थोड़ा पीछे तो देखो, यहां महाकाल का बाप पीछे खड़ा है। अच्छा सही बताओ भैया, महाकाल भगवान शंकर बोलो परम पिता किसे मानते हैं, प्रभु राम को मानते हैं कि नहीं मानते हैं? और सही बात तो ये है कि ये जो बाण था ना, ये बाण परमात्मा का बाण, इसको साधारण बाण मत समझना। इस बाण को जो भी देखता है उसे प्रभु राम का कोप दिखाई दे जाता है। किसका कोप? प्रभु राम का कोप। इसका मतलब ये बाण ही राम का कोप है, और राम का कोप ईमानदारी से बताओ कभी कोप करते नहीं है, लेकिन यदि कोप कहीं हो गया तो विनय न मानत जलद जड़ गए तीन दिन बीत, बोले राम सकोप तो भय बिन होए न प्रीत।
याद रखना, उस समय भगवान के कोप को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है। तो शंकर जी ने कहा कि पार्वती क्या कह रही हो? काया हां स्वामी देखो तो पीछे। ओहो, जैसे ही देखा तो प्रणाम करने लगे। कौन करने लगे प्रणाम? शंकर जी। जयंत बोला अब तो मरना कन्फर्म ही है, जब हाई कमान सरेंडर हो गया, जब बाण को देख के हाई कमान सरेंडर हो गया। बोलो भाई, शंकर जी ने किसको प्रणाम किया? जल्दी बोलो, बाण को प्रणाम किया, लेकिन बाण नहीं था, उस बाण में प्रभु राम का दर्शन हो गया भोले बाबा को, इसलिए प्रभु राम को प्रणाम कर रहे हैं। और जैसे आंखों में आंसू आए, कहा जयंत इस समय मेरा स्वामी दुखी है, क्रोध में है। मेरे स्वामी को क्रोध नहीं आता है, लेकिन आज उसे यदि क्रोध आया है तो ये बता कारण क्या है। पहले कारण बता, झूठ मत बोलना। कहे कारण ये है कि मैंने सीता जी के चरण में चोट मार दी। शंकर जी ने कहा पार्वती त्रिशूल लाओ मेरा, और जैसे ही त्रिशूल मंगाया भागा ये वहां से। कहे कि अब तो यहां भी हमें गुंजाइश नहीं है बचने की, यहां भी मरण है, इसलिए ब्रह्म धाम शिवपुर सब लोका ओ फेरा भ्रमित व्याकुल भय शोका ओ काहू बैठन कहा न ओही ओ राख को सके राम कर द्रोही। ये राम का द्रोही है। एक बात आपको बताएं, भगवान राम ने जयंत के पीछे जयंत को मारने के लिए अपना बाण छोड़ा। बोलो छोड़ा बाण कि नहीं? ये जयंत भगवान के सामने सीता जी के सामने क्या बन के गया था? बोलो, कौआ बन के गया था। बोलो, बन गया था पक्षी, कौआ पक्षी बन के गया था। कौआ पक्षी बन के सीता जी पर प्रहार किया इसने। लेकिन आपको मालूम होना चाहिए पक्षी रामचरितमानस में गीधराज जी भी हैं। बोलो, गीधराज जी ने सीता जी के अस्तित्व को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। बोलो, दे दी कि नहीं? लेकिन ये कौआ पक्षी, ये जयंत कौआ पक्षी बना, इसने सीता जी के अस्तित्व को मिटाने के लिए अपना रूप ही बदल दिया। बोलो, बदला कि नहीं? ये पक्षी था नहीं, लेकिन पक्षी बना। बोलो, बना पक्षी की नहीं? ओ पक्षियों में भी बना तो निकृष्ट पक्षी बना। बोलो, कौआ को क्या मानते हो? निकृष्ट पक्षी होता है कि नहीं है? अरे बनना था तो हंस बन जाता, अगर पक्षी बनना था तो हंस बन जाता। और मैं तो कहता हूं कि अगर चित्रकूट मंदाकिनी में हंस बनकर के जयंत अगर बिहार करने लगता तो बिहार करते करते ये जयंत अगर हंस बन के चित्रकूट में बिहार करता तो चित्रकूट में ये परम हंस बन जाता प्यारे। और परम हंस बन जाता तो ईमानदारी से बताओ पूरा स्वर्ग का खानदान तर जाता कि नहीं तर जाता? बोलो, कल्याण हो जाता कि नहीं हो जाता? जिसका बेटा परमहंस हो जाए, ईमानदारी से बताओ उस कुल खानदान को धन्य कहा जाएगा कि नहीं कहा जाएगा? लेकिन ये हंस नहीं बना, ये तो कौआ बना। कौआ बन के इसने प्रहार किया। सावधान, नारी का अपमान किया। जो नारी का अपमान करता है वो परमात्मा का कोप भाजन बनता है, और जो नारी का सम्मान करता है वो परमात्मा का कृपा पात्र बनता है। बोलो, बनता है कि नहीं? जैसे एक और जयंत, बोलो कोप भाजन बन गया कि नहीं बन गया? परमात्मा का कोप भाजन बन गया जयंत, और जटायु परमात्मा का कृपा पात्र बन गया। बोलो, बन गया कि नहीं? इतनी बड़ी कृपा भगवान ने कर दी, इतनी बड़ी कृपा की कि बार बार गोस्वामी जी कह रहे हैं कि धन्य जटायु सम को नाही राम काज कारण तन त्यागी ओ हरिपुर गयउ परम बड़ भागी। हरिपुर गयउ परम बड़ भागी। नारी का सम्मान करने वाले गीधराज जटायु हरिपुर गयउ, भगवान के धाम गए। और मैं क्या कहूं, भगवान ही बन के भगवान के धाम गए। गीद देह तज धर हरि रूपा, भगवान बनकर के भगवान के धाम गया। इंसान अगर अच्छा कर्म करे तो ईमानदारी से बताओ शरीर तो जाता है उसका,
लेकिन भगवान की तरह कीर्ति अमर हो जाती है कि नहीं? हो जाती है ना, भगवान की तरह कीर्ति अमर हो जाती है उसकी। चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, ईमानदारी से बताओ, देश के लिए इन्होंने कुर्बानी दी, फांसी के फंदे पे झूले, शरीर चला गया, लेकिन कीर्ति आज अमर है उनकी। अमर शहीद के रूप में उनका वंदन स्वंदन किया जाता है, उनको प्रणम्य माना जाता है। बोलो आदरणीय अनुकरणीय सदा सदा के लिए हो गए कि नहीं हो गए? क्यों? अच्छा काम किया, देश के अस्तित्व को बचाने के लिए, माताओं बहन बेटियों के अस्तित्व को बचाने के लिए इन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को स्वीकार किया। इसलिए कहता हूं कि मरना है तो गीधराज जटायु की तरह मरो, मरना है तो गीधराज जटायु की तरह मरो, और क्या कहते कहते मरो। ये मैं महामंत्र दे रहा हूं मरने वालों को, मरना तो सबको है प्यारे, लेकिन मरण सुधार के मरो अपना, मरण बिगाड़ के नहीं, मरण सुधार के मरो। क्या कहते कहते मरना चाहिए? तमन्ना है बस यही मन में, साधना शेष रहना चाहिए, हम रहें या ना रहें मेरा देश रहना चाहिए, बस यही संकल्प होना चाहिए। मरने वाले को यह संकल्प लेना चाहिए। आज मरण गीधराज जी का दिखाई दे रहा है, ऐसा मरण प्यारे कि आज परमात्मा आंसू बहा रहा है। बोलो बहा रहा है कि नहीं? ऐसा मरण कि परमात्मा आंसू बहा रहा है, परमात्मा गोद में लिए है। गोस्वामी जी कहते हैं, गीद को गोद में राख दयानिधि, नैन सरोजन में भरवारी, बारही बार समारत पंख, जटायु की धूल जटान सो झारी। अपनी जटाओं से भगवान ने जटायु की धूल को साफ किया। ये मरण गोद में लिटाए हुए है। अरे छोड़ो जी, महाराज दशरथ को भी ये सौभाग्य नहीं मिला। बोलो मिला क्या? अरे दशरथ की मृत्यु तो हुई, दशरथ जी का मरण तो हुआ। इतना बड़ा तपस्वी जिसने नैमिषारण्य में मनु के रूप में तपस्या की। बोलो मनु के रूप में की तपस्या की नहीं नैमिष में? लेकिन मनु के रूप में जिसने नैमिष में ठाड़े रहे, एक पद दो दोनों एक पैर के बल खड़े होकर तपस्या किए, लेकिन जब दशरथ के रूप में वही मनु दशरथ बन करके आए तो बोलो मरण बिगड़ गया कि नहीं बिगड़ गया? मरण बिगड़ गया, लेकिन गीधराज जटायु का मरण बोलो सुधर गया कि नहीं सुधर गया? कैसे सुधर गया? लेकिन जयंत किसके बल पर सुधर गया? बोले यहां गीधराज जटायु परमात्मा के बल पर सुधर गए, इनका मरण सुधर गया, लेकिन यहां जयंत का मरण भी, मरण तो हो ही रहा था, बोलो हो रहा था कि नहीं? लेकिन मरण बच गया और जीवन बदल गया, बोले महात्मा के बल पर, महात्मा की शरण मिल गई, इसलिए महात्मा के बल पर। बस यही मैं चिंतन दे रहा हूं। ये तीन दृश्य हमारे सामने हैं, जयंत जटायु और दशरथ, समझ लेना जरा, जयंत जटायु और दशरथ, अब समझते जाना जरा। जयंत भाग रहा है, पिता ने भी उसको निकाल दिया स्वर्ग से, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म धाम से भी उसको निकाल दिया, भगवान शंकर ने कैलाश से उसको निकाला, बोलो निकाला कि नहीं? अब ये भाग रहा है, मैं सत्य कह रहा हूं आपसे, इसका मरण सुनिश्चित है। भगवान शंकर भी इसके विरोधी हो गए, ब्रह्मा भी विरोधी हैं और शिव भी विरोधी हैं, यहां परमात्मा राम भी विरोधी हैं। लेकिन सही बताओ, सारी की सारी प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, लेकिन पूरी की पूरी प्रतिकूलता, यहां तक कि ब्रह्मा विष्णु महेश इंद्र आदि, इन सब की प्रतिकूलता को अनुकूलता में किसने बदला? महात्मा ने। बोलो बदला कि नहीं बदला? तो बताओ भैया ताकत कितनी बड़ी है महात्मा में? बोलो है महात्मा में ताकत कि नहीं? लेकिन महात्मा होना चाहिए नारद जैसा। कैसा महात्मा होना चाहिए?
नारद जैसा महात्मा होना चाहिए, कालेम जैसा महात्मा नहीं होना चाहिए, नारद जैसा संत होना चाहिए, नारद जैसा संत। तो सावधानी से सुनना जरा, दशरथ जी महाराज चाहते थे कि मरना तो है ही है, मेरे पिता की मृत्यु हुई, मेरे पिता के पिता की भी मृत्यु हुई, मेरी भी मृत्यु होगी, लेकिन मेरी मृत्यु हुई लेकिन मेरे सामने मेरे प्रयास से ब्रह्म बेटा बन करके आया, लेकिन जब मेरा मरण हो रहा है तो मेरा बेटा मुझे छोड़ के चला गया। मैं चाहता था कि मेरी मौत मुख में राम का नाम हो, लेकिन मेरी अंत्येष्टि राम के हाथों से हो, बस मैं यही चाहता था। अंत्येष्टि किसके हाथों से हो? राम के हाथ से हो, क्योंकि बेटा बन के आए और मुख पर राम का नाम हो। तो दशरथ जी कह रहे हैं राम का नाम तो मुख पर है लेकिन राम की गोद नहीं मिल रही मुझे, मैं किसकी गोद में लेटा हूं? कौशल्या जी ने कहा कि आप मेरी गोद में लेटे हैं। अरे तू कौन है? मैं आपकी पत्नी हूं। पत्नी? दशरथ जी ने कहा कौशल्या मैं चाहता था कि मृत्यु के समय पत्नी की गोद नहीं परमात्मा की गोद मिलती मुझे, पत्नी की गोद नहीं परमात्मा की गोद मिलती। अगर परमात्मा की गोद मुझे मिल जाती तो मेरा मरण सुधर जाता। लेकिन सही बताओ गीधराज जटायु को मृत्यु के समय किसकी गोद मिली? परमात्मा की गोद मिली। बोलो अंतर है कि नहीं? अंतर है, बहुत अंतर है। पत्नी की गोद और परमात्मा की गोद। सीधी सी बात यह है, दशरथ जी कह रहे थे राम मेरे सामने आ जाओ, गीधराज जटायु जी भी कह रहे थे राम एक बार मेरे सामने आ जाओ। किसी ने गीत से कहा कि मर क्यों नहीं रहे हो? गीधराज जी ने कहा इसलिए मरत न मैं रघुवीर बिलो के तापस भेष बनाए। मरत न मैं रघुवीर, मरना तो चाहता हूं लेकिन जब तक आपका दर्शन नहीं कर लूंगा तब तक मैं मरूंगा नहीं। देखो भैया इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु। इसको क्या कहते हैं? इच्छा मृत्यु। जैसे इच्छा मृत्यु कौन? मैं अपनी इच्छा से मरूंगा, मेरा ये काम जब तक पूरा नहीं होगा तब तक मैं मरूंगा नहीं, मेरा ये काम पूरा हो जाए, मेरी इच्छा की पूर्ति हो जाए तो मैं मरूंगा। इसको कहते हैं इच्छा मृत्यु। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते इसको इच्छा मृत्यु? लोग चर्चा का विषय तो ये है कि भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। क्यों भैया? चर्चा यही होती ना, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला। मैं कहता हूं भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान मिला कि नहीं मिला? मिल गया तो अच्छी बात है, मिल गया, क्योंकि वो उत्तरायणे सूर का इंतजार कर रहे थे कि हम दक्षिणायणे सूर में नहीं मरेंगे, हम तो उत्तरायणे सूर में मरेंगे। और इस समय उत्तरायणे सूर आ गए कि नहीं आ गए? जल्दी बोलो, आ गए उत्तरायणे सूर? सही बात तो है, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, उत्तरायणे सूर के इंतजार में भीष्म पितामह को 6 महीना बाणों की सैया पे लेटना पड़ा कि नहीं लेटना पड़ा? मौत कौन सी अच्छी होती है? अस्पताल में 5 किलो वजन खोपड़ी से लटका हो और फिर वो कहे कि उत्तरायणे सूर आए तब मरूं, चाहे 2 क्विंटल लटका दूं। बोलो भाई, ऐसी मौत मैं आपसे पूछ रहा हूं, ऐसी मौत कौन स्वीकार करेगा? बोलो, उस समय यही लगता है कि आज मर जाऊं, मुझे कष्ट नहीं सहना है, चाहे उत्तरायणे सूर हो, चाहे आए चाहे ना आए, हमें तो मौत चाहिए, क्योंकि ऐसा संकट आज हमसे सहा नहीं जा रहा है, ऐसा संकट हमसे झेला नहीं जा रहा है, बर्दाश्त नहीं किया जा रहा है। भीष्म पितामह 6 महीने तक बाणों की सैया पर सूली पर सोए। बाणों की सैया का मतलब क्या है? सूली है कि नहीं? बोलो, क्या मानते हो तुम लोग? सूली मानते हो कि नहीं मानते हो? सूली पर 6 महीना सोना पड़ा। बोलो इसको सजा कहते हैं कि नहीं कहते? सूली पर किसी को सुला दिया जाए इसको सजा कहते हैं। और सजा कौन काटता है? अपराधी होता है वो सजा काटता है।
बोलो काटता है कि नहीं काटता है। मैं एक बात कहता हूं, रावण ने गीधराज जटायु के कृपाण से दोनों पंख काट दिए, लेकिन पंख कटने के बाद जब तक पंख रहे परमात्मा दूर रहा, और पंख कटे तो परमात्मा ने अपने हाथों में ले लिया आकर के गीधराज जटायु को। इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती है? वो भीष्म पितामह जैसी सजा क्या हो सकती है? बोलो भाई, भीष्म पितामह जैसी सजा दूसरी नहीं हो सकती है, और गीधराज जटायु जैसी कृपा कोई दूसरी नहीं हो सकती है। प्यारे, पंख कटे और परमात्मा ने हाथ में ले लिया है, और यहाँ गीधराज जटायु को तो परमात्मा हाथ में लिए, लेकिन भीष्म पितामह के सामने परमात्मा खड़ा है, वो बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं। इधर आप अयोध्या जाएं तो वहां दशरथ जी महाराज कौशल्या जी के हाथों में लेटे हुए हैं। मृत्यु के समय भीष्म पितामह बाणों की सैया सूली पर सोए हुए हैं, दशरथ जी महाराज मरते समय कौशल्या जी के हाथों में लेटे हुए हैं, और गीधराज जटायु मरते समय परमात्मा के हाथ में लेटे हुए हैं। बोलो भाई, ये तीन प्रकार का मरण देख रहे हो आप, समझ रहे हो नहीं? और ये जयंत तो भागता ही फिर रहा है मर